हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है माउथ अल्सर को लेकर, यानी कि मुंह में छाले हो जाना या बहुत से कहते हैं कि मुंह आ जाना। चलिए इसके लिए बता देता हूँ, समझ लीजिए रामबाण नुस्खा है। अगर आप करेंगे तो पहली बार में ही आपके छाले ठीक होते चले जाएंगे। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें बार बार छाले होते रहते हैं। छाले होने का मुख्य कारण आप सभी को शायद पता होगा कि पेट की गर्मी, पेट की खराबी, या कई बार अपच होना, या कई बार एसिडिटी का शिकार होना, किसी को पेट सही से साफ ना होना, पेट में गर्मी की शिकायत होना, विटामिन की कमी, जिंक की कमी, आंतों में खुश्की के कारण, या किसी इन्फेक्शन के कारण, या बहुत सी बार आदत होती है किसी को कि गरम गरम खाना खाने की, जल्दी जल्दी खाना खाने की, या गरम गरम कुछ चीज़ें खाने की, या किसी को आदत होती है ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाने की, जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, सूखे मेवे जितने भी होते हैं वो ज़्यादा खाने की, जिसकी वजह से खुश्की हो जाना, इसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, और वीडियो बड़ी होने का कारण यही होता है कि भाई अगर तसल्ली से किसी को ना समझाया जाए तो अच्छा नहीं है, किसी को अधूरा ज्ञान देना गलत बात है। तो चलिए मैं सीधे बता देता हूँ आपको क्या करना अगर किसी को छाले परेशान करते हैं। और वो छोटे मोटे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गिने चुने प्रयोग आपको बताता हूँ जिससे आप करें और पहली बार में ही आप ठीक हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले छोटे से प्रयोग में आपको मैं बता देता हूँ। आप सुहागा ले लें, थोड़ा सा सुहागा लेकर भून लें अच्छी तरह से, वो खिल की तरह खिल जाएगा। उसके बाद पीस कर पाउडर बना लें आप, और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर, यानी कि जितनी भी मात्रा आपको लेनी है लगाने के लिए, चाहे वो एक चौथाई चम्मच हो या दो चुटकी भर हो, उतने ही ले लें, और थोड़ा सा इसमें इतना ही शहद मिला लें। चटनी सी बनाकर अच्छी तरह से छालों वाली जगह पर आप लगा लें, तो लगाते लगाते ही छालों में आराम पड़ता चला जाता है, ठंडक आती चली जाती है और छाले ठीक होते चले जाते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं इसको, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। और अगर आपके मुँह के अंदर भी चला जाता है, पेट के अंदर भी चला जाता है, तो कोई दुष्परिणाम नहीं है। बाहर आप थूकना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट बाद आप थूके। कुल्ला वगैरह अगर करना है तो 10 मिनट बाद कुल्ला करें, तो इससे भी छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 2-4-5 बार करेंगे आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी इसके साथ में जो भी मैं औषधि बता रहा हूँ, इसके साथ में आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं उपचार बता देता हूँ, ये भी बहुत सटीक उपचार है, अगर ये आप कर चुके हैं काम नहीं कर रहा। हालांकि इसके लिए आपको मैंने बताया भी है कि बहुत सारे छोटे मोटे प्रयोग होते हैं। एलोवेरा जेल का भी सेवन आप कर सकते हैं, एलोवेरा ले लें जो आपके यहाँ पर ताज़ा लगा हो, एलोवेरा लेकर उसका जेल जो निकलता है उसके उसको आप अच्छी तरह से छालों वाली जगह पर लगा लें। छाले कई बार गले में भी हो जाते हैं, कई बार गाल पर, कई बार यहाँ होंठ के अंदर हो जाते हैं, कई बार ऊपर तालुओं पर हो जाते हैं, तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। चलिए दूसरा और सटीक उपचार बता देता हूँ। आप सुहागा तो आपको बता ही दिया मैंने, फिर भी आप सुहागा ले लें, थोड़ा सा लगभग 20 ग्राम की मात्रा में सुहागा ले लें, और 20 ग्राम की मात्रा में आप फिटकरी ले लें, यानी कि एल्यूम। अब इन दोनों को भून लें आप किसी भी चीज़ में, कढ़ाई में या किसी तवे पर, किसी पर भी गर्म करके उसको भून लें अच्छी तरह से। ये भी अच्छी तरह से आप भून कर उसके बाद पीस लें, दोनों को पीस कर रख लें एक ही जगह। अब दोनों में से थोड़ा सा लें, यानी कि जितनी भी मात्रा में लगाना है आप, 1 चुटकी 2 चुटकी 1/4 चम्मच जितना भी लगाना है वो ले लें, और शहद मिलाकर इसको अच्छी तरह से पूरे मुँह के अंदर, जहाँ भी छाले हैं, होठों के अंदर हैं, तालवे पर हैं, गालों पर हैं, गले में हैं, अच्छी तरह से लगा लें। अगर अंदर भी चला जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। 10 मिनट बाद आप कुल्ला कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। अगर गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नॉर्मल पानी से आप कर लें। तो इसको भी सुबह, दोपहर, शाम या 2 बार कर लें, बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 3 बार करने की, 2 बार कर लें तो 2-4-5-7 दिन, अगर किसी को ज़्यादा बड़ी परेशानी है 5-7 दिन हफ्ते भर कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ में भी कहूँगा कि पेट आप जरूर साफ रखें, ताकि पेट में गर्मी इकट्ठी ना हो, अमल पित्त ना बने। पित्त प्राकृतिक के जो लोग होते हैं, जिनको पित्त विकार होता है, उनको ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है, तो पेट में ठंडक भी रखें वो। चलिए अब मैं अंतिम उपचार बता देता हूँ, लास्ट उपचार बता देता हूँ इसके लिए आप क्या करें। अगर आपको छाले इतने ही परेशान हो रहे हैं और पेट में गर्मी है बहुत ज़्यादा और वो ठीक नहीं हो रहे, तो आप क्या करें इसके लिए, आप किसी भी पंसारी से ले लें, मुलैठी ले लें, आसानी से मिल जाती है। मुलैठी ले लें लगभग 50 ग्राम, 50 ग्राम सूखा हुआ आंवला ले लें, और 50 ग्राम खदिर की छाल ले लें। अब इन तीनों को लेकर 50-50 ग्राम बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें आप। अब करना क्या है आपको, इस पाउडर में से आधा चम्मच सुबह ले लें, आधा चम्मच शाम को ले लें, नॉर्मल ठंडे पानी से, यानी कि नॉर्मल जो पानी है उससे लेना है आपको, सुबह शाम आधी आधी चम्मच। अब खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी। यकीन मानिए ये औषधि ऐसी है
चाहे आपको छाले कितने ही पुराने रह गए हों, पक गए हों छाले, दर्द रहता हो छालों में, चीस रहती हो, कुछ खाने में आपत्ति, हालांकि नॉर्मली छाले में खाने में भी आपत्ति होती है, अगर आप थोड़ा सा भी तीखा खा लें तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, और कोई भी नमकीन वाली चीज़ें खा लें तो ज़्यादा लगती है, यानी कि इंसान ना तो खाने में उसको सही लगता कुछ भी, ना पीने में, तो वो असमंजस में रहता है, भाई करूँ क्या। तो आप बेफिक्र रहें, छाले चाहे कितने भी पुराने हो रहे हों, ठीक ना हो रहे हों, ये औषधि ले लें, मुलहटी, आंवले और खजूर छाल वाली, तो आपके जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो 15-20 दिन, एक महीने भी लिया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और थोड़ी बहुत परेशानी है तो 2-4-5 दिन में ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं। बाकी इससे और फायदा है कि आपकी पेट की गर्मी भी शांत होगी, जो पित्त बढ़ा हुआ है वो भी शांत होगा, अमल पित्त की किसी को परेशानी है वो भी ठीक होगी, और किसी को पेट में गर्मी की परेशानी है वो भी ठीक होगी। बाकी अगर फिर भी पेट साफ नहीं रहता आपका, तो कृपया करके पेट साफ आप रखें, इसमें बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको त्रिफला चूर्ण लेना पड़े, इसबगोल की भुस्सी लेना पड़े, बहुत सारे प्रयोग हैं, कैस्टर ऑयल आता है वो दूध में डाल के, यानी कि अरंडी का तेल, एरंड तेल जिसको कहा जाता है, वो चाहे आप ले लें, पपीता खा लिया करें दोपहर को, अमरूद खा लिया करें, चीकू खा लिया करें, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से आप पेट साफ रखें अपना। और कुछ भी काम ना करें तो एक मैंने नुस्खा बताया था पेट साफ के लिए, वीडियो आप देख लें, जिसमें मैंने सना, गुलाब पत्ती, हरड़ छिलका, जीरा, काला नमक, ये प्रयोग बताया था, वो कर लें आप। अगर पेट साफ नहीं होता किसी का तो आप पेट साफ जरूर रखें। बाकी बहुत सो को आदत होती है चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना, तो ये ना करें, कम से कम करें, क्योंकि ये भी छाले को बढ़ावा देते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर के फास्ट फूड वगैरह, ये ज़्यादा चीज़ें छालों को बढ़ावा देती हैं, तो इनका आप प्रयोग कम से कम करें। थोड़ी सी ठंडी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, दही ले लिया करें थोड़ा सा, और पौष्टिक खाना लें, हरी साग सब्जी का सेवन करें, ताकि सारे विटामिन, आयरन वगैरह सब चीज़ें हमें मिले, तो भरपूर पौष्टिक खाना खाएं, कोई भी आपत्ति नहीं होगी जीवन में। हालांकि छालों के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, नीला थोता भी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं उसका प्रयोग आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो प्योरली जहर होता है और बहुत से उसको सही से प्रयोग नहीं कर पाते, तो वो दिक्कत वाला विषय हो जाता है, तो इसलिए वो चीज़ बताएं जिसे हम ले, अगर मान लीजिए हमें आराम ना हो तो नुकसान तो ना हो कम से कम, तो बस आप ये करें। बाकी हाँ, ये 101% है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, छालों से मुक्त रहेंगे, बाकी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कभी भी टेंशन ना लें, किसी भी तरह की टेंशन आप लेंगे तो परेशान होते रहेंगे। हल सबका मिलता है, बशर्त यह है कोई सही सलाह देने वाला हमें मिल जाए, तो बस अपना उपचार अपने आप करें, कहीं ना जाएं, कहीं पैसे वेस्ट ना करें। बाकी यही आशा करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।